नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव आप लोगों को हाई स्कूल का जो विज्ञान है, विज्ञान का दूसरा चैप्टर है उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो जो आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार क्षारक तथा लवण, ठीक है, हम लोग इसके बारे में आज से स्टार्ट करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है आपका अम्ल, क्या होता है आपका क्षार, क्या होता है आपका लवण, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तंग अम्ल क्या होते हैं, पीएच मान क्या होता है, पीएच स्कोर को कैसे निकाला जाता है, इसके अलावा आपके अम्ल वर्षा क्या होती है, इन सब चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला आपका अम्ल किसे कहा जाता है, ठीक है, तो अम्ल जो होता है वह यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं उसे आप लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि अत्यधिक क्रियाशील धातु से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई दोस्तों, हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया करके, अम्ल जो है जब किसी क्रियाशील धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इस प्रकार के जो यौगिक होंगे उसको आप क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। बात समझ में आई दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका है कोई HCl, क्या है आपका HCl, ठीक है, या कोई एक यौगिक है और यह किसके साथ क्रिया कर रहा है, एक धातु है सोडियम, सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है और तब बना क्या रहा है, इसके साथ साथ क्या बना रहा है, क्या बना रहा है आप देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होगी, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन बनेगा, Cl माइनस आयन बनेगा, ठीक है, और यह Cl माइनस आयन यहाँ एन से क्रिया कर लेगा और बना क्या लेगा, NaCl बना लेगा। बात समझ में आई दोस्तों, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही है, मुक्त हो जा रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है। तो इस प्रकार की यदि आपकी अभिक्रिया चलती है तो ये जो आपका यौगिक है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इस यौगिक को आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अम्ल। यह क्या है आपका धातु है, यह क्या आपका धातु है, और आप देख रहे हैं कि यहां से आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त अवस्था में मिल रही है, इसको आप लोग बोलेंगे, इस यौगिक को अम्ल बोलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला है क्षार, ठीक है, क्या है अगला है क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरीके से होता है, स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और इसके प्रकृति जो कैसी होती है, संक्षारक की होती है। मतलब इसका जो नेचर होगा, जो आपका क्षार होगा, बेस होगा, उसका जो नेचर होगा वो प्रिजर्वेटिव टाइप का होगा, उसको उसका जो टच होगा, वो जो हम उसको जब टच करेंगे, ठीक है, इसका स्पर्श जो करेंगे वो साबुन के तरीके से होगा। जिस प्रकार से आप साबुन को टच करते हैं ना, तो जैसे आपको फील आता है वैसे आपका क्षार को फील आएगा जब आप उसको टच करेंगे। और इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। बात समझ में दोस्तों, जो आपका क्षार होता है, जो क्षार होता है उसको आप किसी जली विलयन में अगर घोलेंगे तो वह OH आयन देता है। क्या देता है दोस्तों, OH आयन देता है। जैसे आपका एक हमने एग्जांपल लिया NaOH का, क्या लिया NaOH का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यौगिक है, और इसको जो हम लोग किसी जली विलयन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये टूट जाता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है, OH नेगेटिव में। इसका मींस अगर आपको OH आयन प्राप्त हो रहा है जल में घोलने पर, तो आपका ये जो दिया गया है कंपाउंड यौगिक जो दिया गया वह क्या है, क्षार है। इसीलिए आपको बोला जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो यह है एक क्षारक है जो जल में घुलनशील है और क्या दे रहा है आपको, OH आयन दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्षार बोला जाता है दोस्तों। अगला है आपका लवण। लवण का आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट। इसको आप बोलते हैं बेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। और अम्ल को आप लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो आप अगला देखिए लवण। लवण क्या होते हैं दोस्तों, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया और लवण दोनों चीज एक जैसी ही है। लवण जो होते हैं दोस्तों आपके, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में वाटर या जल भी निकलता है। बात समझ में आई दोस्तों, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, इसका मतलब एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट प्राप्त होगा। बात समझ में आई। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाए, अगर पूछा जाए क्या होता है, तो सेम आपका जो
आप जो आपका लवण बनने की प्रक्रिया है वही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके साल्ट बनाते हैं तथा इस अभिक्रिया में जल जो है निकलता है। बात समझ में आई? तो जैसे आप लोग अगर किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं NaOH NaOH+HCl। अभी आपने देखा था कि NaOH क्या था आपका? क्षार था। HCl क्या था आपका? अम्ल था। NaOH और HCl आपस में क्रिया करता है तो ये आपका ये क्या बनता है? लवण बनता है। लवण का मतलब साल्ट बनता है। साल्ट कैसे बनेगा? यहाँ से Na पॉजिटिव और यहाँ से आपका Cl नेगेटिव दोनों आपस में क्रिया कर लिया और बना लिया NaCl। क्या बना लिया? NaCl। तो ये बन गया आपका NaCl और साथ ही साथ में आपका यहाँ OH और इसका H मिल करके क्या बना लिया? H2O जल बना लिया। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे। और इस पूरी अभिक्रिया को आप लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है आपका अम्ल क्षार सूचक, मतलब आपका एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, अम्ल क्षार सूचक क्या होता है, तो आप बताएंगे रंजक अथवा रंजकों के मिश्रण है। ठीक है, अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? रंजक होते हैं अथवा रंजकों के क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं जिनका प्रयोग अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाए जाने के लिए किया जाता है। हमने आपको बताया जिसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? आपको यदि पता लगाना है कि कोई आपको कोई सब्सटेंस कोई यौगिक दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस यौगिक में अम्ल उपस्थित है अथवा क्षार उपस्थित है, यदि आपको पता लगाना है तो आप उसका पता किस तरीके से लगा सकते हैं? इसी अम्ल क्षार सूचक की उपस्थित से पता लगा सकते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन हो गया, ठीक है, फिनाफ्थलीन क्या है आपका? इंडिकेटर है, अम्ल क्षार सूचक है। बात समझ में आई दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें अभी तक आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आपका अम्ल वर्षा, अगला क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है? एसिड रेन आप इसको बोलते हैं। अम्ल वर्षा को आप लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। जो आपका बरसात हो रहा है, ठीक है, जो बरसात का पानी है यदि उसका पीएच 5.6 से नीचे हो, कितने से नीचे हो? 5.6 से नीचे हो। कौन सी बरसात? जो आपके प्राकृतिक बरसात होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे नेचुरल रेन की बात की जा रही है। जो प्राकृतिक बरसात होती है उसके पानी का पीएच मान यदि 5.6 से नीचे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या होता है दोस्तों? आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड है, या क्रिया करके कर लेते हैं और उसी की जो आपके जो एसिड है वही जो है आपके पानी के साथ क्रिया कर लेते हैं और इसके बाद आपके धरती पर गिरते हैं। इससे आपके जितने भी मोनुमेंट्स हैं, जितने भी स्मारक हैं, जैसे आप ताजमहल की बात कर लें या जो बहुत प्राचीन जितने भी आपकी इमारतें हैं, ठीक है, सुंदर इमारतें हैं, उनमें ये कोरोजन कार्य कराता है, उसका क्षरण होता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो जो अम्ल वर्षा होता है वो धीरे धीरे चीजों को संक्षारित करता है। जो आपके महंगे महंगे पत्थर लगे रहते हैं घरों पे, और ताजमहल का जो हल्का सा रंग पीला होता जा रहा है उसके पीछे भी यही कारण है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? जिसमें आपके जो वर्षा होती है उस वर्षे के पानी का जो पीएच मान होता है वह कितने से कम होता है? 5.6 से कम होता है, लेस देन 5.6 होता है, तो उसको आप लोग क्या नाम देते हैं? अम्ल वर्षा का नाम देते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है यह आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों जो आपका अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड? सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्रिया करते हैं वर्षा के जल से, ठीक है, और बना लेते हैं क्या? नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जो कि आपके अम्ल वर्षा का मुख्य जो कंटेंट होता है वही होता है। जो मुख्य कंटेंट होता है आपके अम्ल वर्षा का क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड क्रिया करके बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और यही जो आपके मोनामेंट से या जो भी आपके ईंट पत्थर की जो रहते हैं कीमती पत्थर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का, उनमें क्षरण कराने का कार्य करता है, यही आपका जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके ऑक्साइड वो रहते हैं तो आप कहिएगा सल्फर डाइऑक्साइड रहते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं।
चलिए दोस्तों, इस आपको एक चार्ट दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। उसमें क्या आपको लवण दिए गए, अभी आपने लवण पढ़ा क्या होता है, तो इसमें आपको लवण दिया गया है, आपको इसका सूत्र लिखना है और इसमें अम्ल का कौन सा भाग है और क्षार का कौन सा भाग है, यह चीज आपको लिखनी है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके जो है सूत्रों को लिख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखा गया है, पोटेशियम सल्फेट लिखा गया है। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, K2SO4 होता है। क्या होता है, K2SO4 होता है। वहीं पर आपका दूसरा लिखा गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2SO4। बात समझ में आई दोस्तों। तो अगला आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है CaSO4 होता है। क्या होता है, CaSO4 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसको बोलते हैं MgSO4। अगला है आपका कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं CuSO4, क्या बोलते हैं, CuSO4। अगला है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जिसको आप लोग खाते हैं, नमक जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ में जब आप लोग कोई भी सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं व्यंजन, उसमें जो है नमकीन व्यंजन अगर उसमें, तो जो नमक डालते हैं वो क्या आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। अगला है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, NaNO3 बोला जाता है। अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है Na2CO3, क्या बोला जाता है, Na2CO3 बोला जाता है, Na2CO3 बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका अमोनियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है NH4Cl, क्या बोला जाता है, NH4Cl, NH4Cl बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब अगला है आपका कि कौन कौन से अम्ल और कौन कौन से क्षार जुड़े होते हैं। तो देखिए, हमारा जो पोटेशियम सल्फेट कब बनेगा, जब हमारे पोटेशियम सल्फेट कब बनेगा, जब हाँ जो आपका H2SO4 है, क्या है, H2SO4 की क्रिया, H2SO4 की क्रिया, H2SO4 क्या यहाँ पे अम्ल है, इसकी क्रिया किसके के साथ कराई जाएगी, KOH के साथ कराई जाएगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाएगी। किसकी क्रिया, आपके जो है H2SO4 क्या है आपका अम्ल हो गया, ठीक है। अम्ल की क्रिया आप लोग क्षार से कराएंगे तभी तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो अम्ल की क्रिया आप लोग क्षार से करा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा क्षार प्रयोग होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होगा। जब यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होगा तो बना लेगा K2SO4, बना लेगा, क्या बना लेगा, K2SO4, और साथ साथ यहाँ क्या बन जाएगा, H और यहाँ से OH मिलकर बना लेगा जल, ठीक है। तो यही तो आपका लवण प्राप्त होगा, यही तो आपको लवण प्राप्त होगा। K2SO4 कब प्राप्त होगा, जब H2SO4 की क्रिया KOH के साथ कराई जाती है। बात समझ में आई। अच्छा, अगला आपका सोडियम सल्फेट है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या था, पोटेशियम सल्फेट था, तो क्षार क्या होगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होगा। देखिए जितने भी क्षार होंगे सब में हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहता है। बात समझ में आई। तो आपका जो है अगला है क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में भी जो आप लेंगे क्या, H2SO4 ही लेंगे, क्या लेंगे, H2SO4 ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, सल्फेट तो यहाँ से आ गया, लेकिन सोडियम कहाँ से आएगा, यहाँ से क्षार से आएगा। तो आप लोग इसका लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, NaOH लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपके H2SO4 की क्रिया कराई जाती है तो बनाता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और साथ में आपका जल निकल जाता है। बात समझ में दोस्तों। अगला आपका है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम की जो आपका बनेगा वो बनेगा H2SO4 की क्रिया, H2SO4 की क्रिया किससे कराई है, कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब आपका क्या मिल गया, कैल्शियम सल्फेट मिल गया। इसी प्रकार से आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, H2SO4 ही रहेगा, यहाँ पर भी H2SO4 ही रहेगा, अम्ल में आपका H2SO4 ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्षार क्या होगा, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। बात समझ में आई भैया। तो यहाँ पर आपका MgOH का होल ट्वाइस बन गया। इसी प्रकार से आपका है अगला कॉपर सल्फेट, अगला क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, यही H2SO4 की क्रिया
कॉपर हाइड्रोक्साइड से कराई है, किसके साथ? H2SO4 की क्रिया कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है, CuOH का होल ट्वाइस के साथ कराई जाए। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होता है, देखिए जितना हमने आपको बताया कि जितने आपके लवण है उसी के हाइड्रोक्साइड ले लीजिए छार वाले साइड में, ठीक है। तो यहां पर आपने कॉपर की क्रिया H2SO4 की क्रिया कॉपर हाइड्रोक्साइड से जब कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। अगला है आपका NaCl, NaCl का अभी आपने कुछ देर पहले ही रिएक्शन कराया था, आपको याद होना चाहिए। HCl की क्रिया, HCl अम्ल की क्रिया जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई थी, क्योंकि सोडियम यहाँ क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को बात करने के लिए आपको सोडियम का हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब सोडियम के क्लोराइड की क्रिया कराई, HCl की क्रिया कराई, हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराई, तो यहाँ से H2O बाहर हो गया और NaCl या सोडियम क्लोराइड आपको साल्ट के रूप में मिल गया। अगला है आपका सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे HNO3, क्या लेंगे दोस्तों, HNO3 लेंगे, क्या लेंगे, HNO3 लेंगे, ठीक है। अच्छा, सोडियम के ऑक्साइड ही तो अब आपको चाहिए, सोडियम नाइट्रेट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सोडियम का हाइड्रोक्साइड ही तो चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, बात समझ में आई भैया। अगला आपका है सोडियम कार्बोनेट, क्या है अगला, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए H2CO3, ठीक है, क्या चाहिए, H2CO3, क्या चाहिए, H2CO3 चाहिए। अच्छा, कह क्या रहा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, NaOH चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला आपका लास्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसके लिए आपको HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए इसके लिए और क्या चाहिए, NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया आपको। तो आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि कौन से लवण किस अम्ल और किस क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप देखिए पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र है K2SO4, आपने क्या लिया इसमें जो है H2SO4 लिया और क्या लिया, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड मतलब KOH ले लिया। अगला आपका लवण है सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं Na2SO4, यहाँ पर आपने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी क्रिया किससे कराई, सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। अगला आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट में आपने क्या किया, H2SO4 आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो है लवण के रूप, सॉरी H2SO4 आपने क्या लिया अम्ल के रूप में लिया और इसकी क्रिया कराई कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपका बन गया क्या, कैल्शियम सल्फेट साल्ट बन गया और सबके साथ जल निकलेगा, जब ये दोनों आपस में अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो जल निकल जाएगा, ठीक है। अगला आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4 होता है। अब MgSO4 को बनाने के लिए आपने लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, बात समझ में आई। अगला है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्या मतलब होता है, CuSO4 फार्मूला है। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया साथ ही साथ कॉपर के हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया, ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट मिल गया। अगला आपका सोडियम क्लोराइड, अभी आपको हमने जब अम्ल बताया तो अम्ल में ही बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसको हम लोग खाने वाला नमक भी बोलते हैं, जो हम लोग भोजन पकाते हैं उसी भोजन में इसको डालते हैं, ठीक है, स्वाद के लिए डालते हैं। अगला आपका सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 इसको बोला जाता है, ठीक है, इसका सूत्र क्या है, NaNO3 है और इसमें क्या होता है, जो अम्ल आपका होता है वह होता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को प्रयोग करते हैं और इसके बाद सोडियम के हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, बस समझ में आई, सोडियम के हाइड्रोक्साइड का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगला आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 और यहाँ पर आप अम्ल के रूप में लेते हैं H2CO3 को लेते हैं और आपका जो है क्षार जो होगा वही सोडियम का हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पर पहला सब लिखा गया सबके हाइड्रोक्साइड आपके क्षार में रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहे देख लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही चीज आपको वहां पर लवण में मिल जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सूत्र होता है और इसमें से जो आप लेते हैं अम्ल वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लेते हैं और अमोनियम
हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको अमोनियम क्लोराइड लवण प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह लवण, आपके जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसे कॉमन सूत्र है जो आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको इस चैप्टर से 2-3 चीजें तैयार हुई, एक तो किस लवण को बनाने में कौन सा क्षार लगता है, एक तो ये चीज तैयार होगी। दूसरा आपको तैयार इसी के साथ साथ हुआ उस पर्टिकुलर लवण का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, और साथ ही साथ उस अम्ल और क्षार का भी केमिकल फार्मूला आपका तैयार हो गया। बात समझ में आई दोस्तों? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।